फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मिस्टर स्पीकर, आई वांट टू अपोलोजाइज। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में डाउनिंग स्ट्रीट के गार्डन में पार्टी करने को लेकर उन पर इस्तीफे का दबाव बनता जा रहा है। विपक्ष जॉनसन से प्रधानमंत्री पद छोड़ने की मांग कर रहा है। इस बीच ब्रिटेन की एक प्रमुख सट्टा कंपनी वेटफेयर ने दावा किया है कि संकट से घिरे बोरिस जॉनसन जल्द ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा कर देंगे। इसके बाद भारतीय मूल के वित्त मंत्री ऋषि सुनक उनकी जगह ले सकते हैं। वेटफेयर ने कहा है कि मई 2020 में कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट में हुई ड्रिंक पार्टी को लेकर हुए खुलासों के मद्देनजर 57 साल के जॉनसन पर न केवल विपक्षी दलों ने दबाव बनाया है, बल्कि उनकी खुद की पार्टी की ओर से भी इस्तीफा देने को लेकर उन पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। वेटफेयर के सैम रॉसबॉटम ने वेल्स ऑनलाइन को बताया है कि जॉनसन के हटने की सूरत में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की सबसे अधिक संभावना है। इसके बाद लीज टूस यानी कि विदेश मंत्री और फिर माइकल को जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उनका स्थान आता है। हालांकि इस दौड़ में पूर्व विदेश मंत्री जेरमी हंट, भारतीय मूल के गृह मंत्री प्रीति पटेल, स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद और कैबिनेट मंत्री ओलिवर डाउडेन भी शामिल हैं। लेकिन इसमें सबसे ऊपर जिनका नाम है वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। अब बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है जिसको लेकर विपक्ष जॉनसन से इस्तीफा मांग रहा है। दरअसल जॉनसन के प्रधान निजी सचिव मार्टिन रेनॉल्ड्स की ओर से कथित तौर पर कई लोगों को पार्टी के लिए मेल भेजा गया था। हालांकि उस समय देश में कोविड 19 को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक समारोह आयोजित करने पर पाबंदी लगी हुई थी। जॉनसन ने अब इस मामले में खेद जताते हुए पहली बार माना है कि वो दावत में शामिल हुए थे। जॉनसन ने कहा कि उन्हें लगता था कि ये आयोजन उनके काम काज से संबंधित आयोजनों के दायरे में है। प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट के गार्डन में आयोजित पार्टी के लिए ईमेल से भेजे गए निमंत्रण पत्र के मीडिया में आने के बाद से जॉनसन पर विपक्षी लेबर पार्टी के साथ साथ उनकी अपनी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों की ओर से भी उन पर दबाव है। उन्होंने इस मामले में खेद जताते हुए पहली बार माना है कि वो पार्टी में शामिल हुए थे। जॉनसन ने कहा कि ये उन्हें लगता था कि ये आयोजन उनके कामकाज के संबंधित आयोजनों के दायरे में है। प्रधानमंत्री के साप्ताहिक प्रश्न सत्र से पहले संसद के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने बयान में जॉनसन ने कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूं। मुझे लगता है कि इस देश में लाखों लोगों ने पिछले 18 महीनों में असाधारण कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि वे मुझ पर और मेरी अगुवाई वाली सरकार को लेकर क्या महसूस करते हैं जब वो सोचते होंगे कि नियम बनाने वाले लोग ही डाउनिंग स्ट्रीट के नियमों का सही से पालन नहीं कर पा रहे हैं। मैं मौजूदा जांच के परिणामों को लेकर पूर्वानुमान नहीं व्यक्त कर सकता, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि हमने कुछ चीजों को सही से नहीं लिया और मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मीडिया में इस बात को लेकर बहुत चर्चा है कि बोरिस जॉनसन इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन उनके इस्तीफा देने के बाद कौन होगा ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री, इसको लेकर भी ट्विटर पर लगातार ऋषि सुनक का नाम ट्रेंड हो रहा है। आपको बता दें कि ऋषि सुनक जो है वो पहले दावेदार हैं और ये कहा जा रहा है कि बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद वो प्रधानमंत्री पद जो है संभाल सकते हैं।